आप सब नूं सत श्री अकाल। दोस्तों ये वीडियो खास तौर पर उन्हां एम्पलाइज लई है जिहड़े कि एक एक 2016 का छेवें पे कमीशन का बेनीफिट लैके रिटायर होणगे या फिर एक एक 2016 तो बाद रिटायर हो चुके हैं। उन्हां नूं ग्रैचुटी का किन्ना लाभ जिहड़ा है हुण मिलेगा, किन्ना एरियर मिलेगा, तो इस तरह के कई सवाल मैनू मेरी वीडियोज़ ते आ रहे हैं कि ग्रैचुटी जिहड़ी है वह दुगनी कर दी गई है सरकार वालों, 10 लाख तो 20 लाख कर दी गई है, कि सानू भी जिहड़ी ग्रैचुटी है वह हुण दुगनी मिलेगी। आओ इन्हां सारे सवालों का जवाब तो ग्रैचुटी उपर क्लैरिफिकेशन आपां इस वीडियो दे विच लैने आ। ये वीडियो शुरू करने तो पहला साडा चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो ता जो तुसी साडे चैनल ते आ रही वीडियोज़ तुरंत ही देख सको। हुण तुसी ज्वाइन बटन प्रेस करके साडे चैनल दे मैंबर भी बन सकते हो। मैंबरस लई कुछ एक्सक्लूसिव बेनीफिट्स ने, तो तुम चाहे तो साढ़े नाल निजी तौर पर गलबात भी कर सकते हो। हुण दोस्तों मैं गल कर रहा ग्रैचुटी की। ग्रैचुटी पहला तो आप देख लीए कि ग्रैचुटी है की है। चाहे तुम पुरानी पेंशन स्कीम के अधीन आने हो चाहे नवी पेंशन स्कीम के अधीन आने, थोड़ा ग्रैचुटी जी रिटायरमेंट से मिलती है। हुण आप गल करते हैं ग्रैचुटी के रूल्स की। डैथ केस के जेकर किसी इंपलाई की सर्विस 1 साल तो घट है तो उसनों 2 तनखाह के बराबर जी ग्रैचुटी दी जाती है। जेकर किसी मृतक कर्मचारी की सर्विस 5 साल तक है तो 1 साल तो उपर है तो 6 तनखाह के बराबर जी ग्रैचुटी मिलती है। जेकर किसी मृतक कर्मचारी की सर्विस 5 साल तो उपर है, 12 सालों तो घट है, तो उन्होंने 12 तनखाह के बराबर जी ग्रैचुटी मिलती है। उस तो बाद जेकर तुहाडी सर्विस 12 साल तो उपर है, मैं गल कर रहा डैथ केस के ग्रैचुटी है वो तुहानू मिलती है इस फार्मूले के नाल जिहड़ा कि तुसी स्क्रीन पर देख सकते हो। इस फार्मूले नूं आपां एक्सप्लेन जिहड़ा थोड़ी देर तक करते हैं कि ग्रैचुटी का फार्मूला की है। इत्थे हुण आपां एक एग्जाम्पल लवांगे तो मान के चलांगे कि ये इंपलाई 1/1/1996 दे विच भर्ती होया है तो 31/1/2016 नूं पे कमीशन का लाभ लैके रिटायर हो रहा है। इस नूं ग्रैचुटी का लाभ मिल चुके है तो हुण जदों पे कमीशन लग जाएगा तो इस नूं किन्ना फायदा जिहड़ा है वह होगा। इस इंपलाई समझण दे लई, इस इंपलाई की ग्रैचुटी समझण दे लई मैं नोटिफिकेशन की एग्जाम्पल ली है। ये एग्जाम्पल मैं अपनी पिछली वीडियो दे विच भी समझाई है। ये एग्जाम्पल नंबर है 11, पेज है 2751। ये इंपलाई मैं मन के चल रहा कि 1996 दे विच भर्ती होया है तो 31/12/2015 इस मुलाजम की बेसिक सी 23,460 रुपये। हुण 23,460 ग्रेड पे है 5,000। इनू मैं दोनों ही मैथड्स के नाल कैलकुलेट करके देखिया कि 2.25 नाल इस मुलाजम को फायदा होंदा है या फिर 2.59 दे नाल। इस एग्जाम्पल दे विच 2.59 दे नाल इस मुलाजम को फायदा हो रहा है तो 2.59 का फैक्टर लगा के इस कर्मचारी की नवी बेसिक 60,400 रुपये बन जाती है। ये दोनों मैथड किदां वरतने ने ये तुसीं साडी पुरानी वीडियो से जाके देख सकते हो। इसनों आपां दुबारा एक्सप्लेन नहीं करांगे, इत्थे आपां सिर्फ ग्रैचुटी की ही गल कर रहे हैं। 31/12/2015 इस मुलाजम की बेसिक सी 23,460 रुपये। ये जिहड़ा फार्मूला तुसीं स्क्रीन पर देख रहे हो यह है बेसिक प्लस ग्रेड पे, पुराना फार्मूला ग्रैचुटी का पे कमीशन लगन तो पहला, प्लस NPA प्लस DA जिहड़ा उस वक्त चल रहा है, गुणा नंबर ऑफ हाफ ईयरली सी, गुणा नंबर ऑफ हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब यही हुंदा है जेकर तुसीं 5 साल नौकरी की तो तुहाडे कोल हाफ ईयरली हैगे ने 10, जेकर 20 साल तुसीं नौकरी की तो हाफ ईयरली तुहाडे कोल हैगे आ 40। जिहड़ी एग्जाम्पल आपां इत्थे लई है 1/1/1996 नूं ये मुलाजम भर्ती होया है तो 31/1/2016 नूं रिटायर होया है। इस मुलाजम की कुल क्वालीफाइंग सेवा जिहड़ी है वह 20 साल 1 महीना बनती है। इत्थे रुक के दोस्तों मैं 2-3 गल्लां तुहानूं जिहड़ियां उह सांझियां करनी चाहांगा जिहड़ियां कि साडे वीडियोज़ के उपर बार बार सवाल आ रहे हैं। नवें पे कमीशन के ग्रैचुटी की जिहड़ी हद है वह 20 लख कर दी गई है। इहदा मतलब ये नहीं है कि तुहानू 20 लख रुपया मिलेगा। 20 लख हद का मतलब है इस फार्मूले नू वरत के जिनी भी तुहाडी ग्रैचुटी आएगी, जेकर वह 20 लख के अंदर है तो तुहानू पूरी की पूरी अमाउंट मिलेगी। जेकर 20 लख तो उपर है तो तुहानू वह अमाउंट नहीं मिलेगी, मैक्सीम तुहानू 20 लख ही मिलेगी। हुण जेकर पे कमीशन लागू होने तो पहला तुहानू 5 लख रुपया मिलिया तो इहदा ये भी मतलब नहीं है कि तुहानू हुण जिहड़ा दुगने पैसे मिलणगे, 10 लख रुपया मिलेगा। दोस्तों ग्रैचुटी का फार्मूला कई चीज़ों के उपर डिपेंड करता है, तुहाडी बेसिक किन्नी है जदों तुसीं रिटायर होए हो तो तुहाडी क्वालीफाइंग सर्विस किन्नी है, यानी कि किन्ने साल तुसीं महकमे दे विच सेवा कीती है। इस नूं समझण दे लई आपां इस मुलाजम की क्वालीफाइंग सेवा कढ ली है 20 साल 1 महीना। फार्मूले दे विच बेसिक जिहड़ी है 31/1/2016 इस मुलाजम की है 23,460 रुपये।
उस वक्त डीए चल रहा सी 119% का डीए बन गया 27,917 रुपये। इन दोनों नू जोड़ लईए तो बन गया 51,377 रुपये। गुणा इस नू करना है हाफ ईयरली नाल, हाफ ईयरली इस मुलाजम दियां ने 40 और बटा है 4। दोस्तों इतने ध्यान नाल सुनो, जेकर ये मुलाजम रिटायर हो रहा है तो इतने बटा 4 आएगा जेकर सेवा 12 साल तो उपर है। जेकर ये मुलाजम की डैथ होगी तो ये ग्रैसिटी जी है वो परिवार को मिलन जा रही है तो इतने बटा 4 नहीं आएगा, इतने आएगा बटा 2, यानी कि जी ग्रैसिटी है वह डैथ केस के वध मिलेगी। हुण जो मैं इतने बटा 4 करके इसनों कैलकुलेट करदा तो यह बन गई 513,770 रुपये, यानी कि जेकर ये नॉर्मल 31-2016 मुलाजम रिटायर होया, पे कमीशन इस हजे नहीं मिलया तो इस 513,770 रुपये ही मिले हैं। हुण जी एग्जाम्पल मैं थोनों दसी सी कि उस मुलाजम की मैं सैलरी जदों कैलकुलेट की 2.59 के फैक्टर के नाल, तो 1-1-16 इस मुलाजम की नवी बेसिक आ गई 60,400 रुपये। 31-1-2016 यह रिटायर हो चुके है, इसनों उस वक्त डीए जड़ा है नवे पे स्केलों के 0% मिलेगा। दोबारा मैं रिपीट करदा कि 1-1-16 डीए जड़ा 0 होगा, डीए जड़ा बेसिक च मर्ज कर दिता जाता है। यही फार्मूला लगा के जो हूँ मैं ग्रैचुटी कैलकुलेट करदा तो ग्रैचुटी आ जाती है 6,04,000 रुपये, यानी कि पहला नालों 90,230 रुपये वध। दोस्तों एक ग्रैचुटी का फार्मूला तुसी पुरानी बेसिक के नाल भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो साड़ी वीडियोज़ देख के अपनी नवी बेसिक कैलकुलेट करके भी इस उपर जी है तुसी अपनी ग्रैचुटी की अमाउंट कढ़ सकते हो। हुण दोस्तों ये 6 लाख वाली अमाउंट, हुण सवाल जिहड़ा सानू बार बार पूछा जाता है कि जेकर जिहड़ी साड़ी ग्रैचुटी है वह 10 लाख तो उपर बनी हो तो हुण सानू 20 लाख रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगली एग्जाम्पल देख के तुहानू जिहड़ा समझ आ जाएगा। हुण मान लीए इस मुलाजम की जिहड़ी पुरानी बेसिक सी 30,000 रुपया सी, मान लीए इस उपर 119% डीए 35,700 रुपया बनता है, तो जे मैं कैलकुलेट कर लाँ तो यह ग्रैचुटी बन जाती है बिना पे स्केलों की सोध दे, 6वां पे कमीशन लगे बगैर 31-1-2016 इस कर्मचारी को ग्रैचुटी जी मिलन योग सी 10,84,000, पर इस मिले 10 लाख। यही क्योंकि पे कमीशन लागू होने तो पहला जी ग्रैचुटी की लिमिट सी 10 लाख रुपया सी। सो हुण जदों 20 लाख रुपया होगी, इस मुलाजम को 10,84,000 रुपया मिले सी, 84,000 रुपये जी है वो रकम इन्हों 6वें पे कमीशन के मुताबिक दिती जाएगी। और जदों इस मुलाजम की बेसिक एनहेंस हो जाएगी 6वें पे कमीशन मुताबिक, उसका एरियर भी इस मुलाजम को जरूर मिलेगा। दोस्तों जेडे मुलाजम 1-1-2016 तो बाद रिटायर हो चुके ने या होने वाले ने, उन्होंने ग्रैचुटी का भी लाभ मिलेगा, लीव इनकैशमेंट का भी लाभ मिलेगा, तो जेडे रिटायर हो चुके उन्होंने इन्हों रकम का एरियर भी मिलेगा। इस तो अगली वीडियो के असी दोस्तों लीव इनकैशमेंट के उपर गल करांगे, लीव इनकैशमेंट के फार्मूले उपर गल करांगे, तो किस तरह तुसी अपनी लीव इनकैशमेंट कैलकुलेट कर सकते हो, एरियर कैलकुलेट कर सकते हो, यह सारा कुछ आप जाणांगे उस वीडियो के। आशा करते हैं दोस्तों कि एक ग्रैचुटी उपर वीडियो तुहानू चंगी लगी होगी, चंगी लगी तो इसनू लाइक तो शेयर जरूर करो, साडे लिए कोई भी सवाल या सुझाव हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के कमेंट भी जरूर करो। इस चैनल पर आ रही वीडियो तुहानू चंगी लग रही तो सानू सपोर्ट करने के लिए चैनल भी सबसक्राइब कर दो, बैल आइकन भी जरूर दब दो। हुण तुसी ज्वाइन बटन प्रेस करके साडे चैनल दे मैंबर बन सकते हो, मैंबरस लिए कुछ एक्सक्लूसिव बेनीफिट्स ने, तुसी चाहो तो साडे नाल निजी तौर पर गलबात भी कर सकते हो। बस इसे तरह जुड़े रहो, मिलते हैं अगली वीडियो के, धन्यवाद।